Hi guys, welcome to my channel. This is Silky Khanna and today I'm going to give you the solutions of maths basic question paper, sample question paper जो कि CBSE वालों ने डाला है online. उसका मैं आपको question by question solutions समझाने वाली हूँ. ठीक है, तो चलते हैं. First question. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ठीक है, ये चैप्टर वन का क्वेश्चन है. कैसे करना है, 156 के फैक्टर्स निकाल लो. सिंपल, 2 7s are 14, 2 8s are 16, लाइक दिस. 2 3s are 6, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 3s are 9, एंड देन अगेन 13. ठीक है, तो हमारा हो गया 156 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 13, मतलब 2 की पावर 2 into 3 into 13. ऑल राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हू जीरोज इज 2 एंड द प्रोडक्ट इज -8. देखो, जब सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2, एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है -8, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम बाहर x प्लस प्रोडक्ट. राइट, तो क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या दिया हुआ है मेरे को 2, यानी 2x प्लस प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -8, वो मैंने यहां पर लिख दिया. तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड, HCF गिवन है दो नंबर्स का, विच इज गिवन टू बी 4. LCM हमको निकालना है उन्हीं दो नंबर्स का. राइट, अब मेरे को एक फॉर्मूला पता है विच इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. ठीक है, अब HCF मेरे को पता है विच इज 4, LCM मेरे को नहीं पता है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी 96 इंटू 404. ऑल राइट, तो LCM क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404 अपॉन, ये जो 4 है वो आ जाएगा नीचे लाइक दिस, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 24 इंटू 404 कैलकुलेट करके हमको यहाँ पर लिखना है, जो कि हमारा LCM होगा. क्या होगा, 404 into 24, ये आ जाएगा हमारा 9696. सो दिस वुड बी माई आंसर फॉर द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स. ऑल राइट, नेक्स्ट इसका जो और वाला पार्ट है वो है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, तो ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपके चैप्टर रियल नंबर्स में है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जैसे कि 4, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 एंड सो ऑन, यानी जो किसी की टेबल में आते हैं. अगर छोटे बच्चों को हम समझाते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है तो हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं कि जो किसी की टेबल में आते हैं. ठीक है, अब 2 और 3, दीज नंबर्स आर नॉट कॉम्पोजिट क्योंकि वो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं लाइक दिस. ठीक है, तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर मैं लिखती हूँ साथ साथ, every composite number can be expressed as the product of primes. Obviously, क्योंकि अब 4 है, 8 है, 6 है, इनको तुम break कर सकते हो ना, prime factorization कर सकते हो ना इनका, है ना. 2 का क्या होगा, कुछ भी नहीं, 2 into 1, 3 का क्या होगा, 3 into 1, 5 का क्या होगा, 5 into 1, है ना. लेकिन 4 का क्या होगा, 2 into 2, 8 का क्या होगा, 2 into 2 into 2, 9 का क्या होगा, 3 into 3, 10 का क्या होगा, 2 into 5. तो दैट मीन्स दीज कॉम्पोजिट नंबर्स, ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ठीक है, सो दिस इज द fundamental theorem of arithmetic. Next question is question number 4 on comparing the ratios of the coefficients, मतलब
क्या इसका क्या कहने का मतलब है? ये जो कोएफिशिएंट्स क्या होता है, कोएफिशिएंट्स होते हैं जैसे x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट है 4, ठीक है। और रेशोस का मतलब क्या है कि इसके और इसके कोएफिशिएंट्स की रेशोस को कंपेयर करो और फाइंड आउट करो वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या मतलब है इसका? कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? ये जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब होता है उस चैप्टर में हमने तीन टाइप्स के सॉल्यूशंस पढ़े हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, राइट? तो दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंसिस्टेंट। ओके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन तो आ रहा है लेकिन बहुत सारे आ रहे हैं, वो भी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन नो सॉल्यूशन के केस में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, सो दैट मींस इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकंसिस्टेंट। यहां पर आएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनफैक्ट यूनिक के लिए क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसके लिए क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इनफाइनाइटली के लिए। एंड नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट? तो हमको चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी है एंड अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं यहां पर। सबसे पहले तो ये देखो कि ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, ये जनरल इक्वेशन होती है। इससे कंपेयर करके हमें पता चलता है कि हमारे a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 हमारे क्या है, ठीक है। इससे कंपेयर करते हैं, सबसे पहले है x-2y इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या है मेरा? 1, क्योंकि यहां पर x के साथ मेरा 1 है। b1 क्या है मेरा? -2, राइट? और c1 क्या है मेरा? 0। ओके, सेकेंड इक्वेशन है मेरी 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर करो तो a2 मेरा आ गया 3, b2 मेरा आ गया 4 एंड c2 मेरा आ गया -20। ऑलराइट, अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं विच इज 1/3, b1 अपॉन b2 निकालो विच इज -2/4 यानी -1/2 एंड c1/c2 निकालते हैं तो वो मेरा आएगा 0, क्योंकि 0/-20 इज 0, ठीक है। तो अब c1/c2 भी निकालने की ना मेरे को जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? क्योंकि a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम वहीं पर ही रुक जाएंगे, हमें c1 c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a1/a2 अगर b1/b2 भी इक्वल नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर इक्वल आ जाते तो हम आगे चेक करते, क्योंकि इन दोनों में ही इक्वल है, फिर हम आगे चेक करते कि वो c1 और c2 के इक्वल आ रहा है। अगर तीनों इक्वल आ जाते तो इनफाइनाइटली, अगर तीनों ही अगर ये दोनों इक्वल ना आते तो नो सॉल्यूशन। लेकिन इस केस में तो फर्स्ट टू ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, सो नो नीड टू फाइंड c1 अपॉन c2, इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वो कंसिस्टेंट है। ऑलराइट, सो यू विल राइट इट इज कंसिस्टेंट एज इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों है? बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया एंड सो दिस विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a एंड b आर को प्राइम नंबर्स फाइंड HCF ऑफ a एंड b। बेटा पहले ये समझो कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वो होता है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कॉमन फैक्टर। यानी अगर मैं 2 और 4 को उठाती हूँ, सो दीज आर नॉट को प्राइम, बिकॉज 2 और 4 में जो 4 है उसका भी एक फैक्टर है 2। 2 का तो एक फैक्टर 2 है ही, अपना भी एक मतलब इटसेल्फ भी फैक्टर होता ही है। तो 2 और 4 के कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2, सो दीज आर नॉट को प्राइम। ऑलराइट, अगर मैं उठाती हूँ 2 और 3, दीज आर को प्राइम। वाई? क्योंकि 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 3। कोई कॉमन फैक्टर है? 1 है ना, और तो कोई नहीं है ना, 1 हो सकता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो को प्राइम आर दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। 1 हो सकता है
लेकिन इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ओके, सो जैसे अब 3 और 5 है लाइक दिस. ओके, अब वो बोल रहे हैं कि अगर ए और बी कोप्राइम हैं, यानी ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना, जैसे 2 और 3, तो इनका एचसीएफ क्या होएगा 2 और 3 का? एलसीएम पर मत जाना, एलसीएम होगा 2 × 3 दैट इज 6. 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, लेकिन 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1, क्योंकि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सो कोप्राइम नंबर्स का हमेशा जो एचसीएफ होता है इट इज ऑलवेज 1. तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि इसका आंसर क्या है, 1. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन और वाला है, या ये पार्ट. आई विल बी टेलिंग यू बोथ द पार्ट्स. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 cm इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 degrees. देखो, सेक्टर का एरिया जो कि आपको लर्न होना चाहिए. अब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए. स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 πr² एंड यू नो एरिया ऑफ सेक्टर एक और भी होता है 1/2 × l × r. ठीक है, बट यहां पर कौन सा यूज होगा? यहां पर ये वाला यूज होगा. ये तब यूज होता है जब हमें एंगल नहीं दिया हुआ होता, बट यहां पर हमको एंगल दिया हुआ है विच इज 60 degrees. ओके, तो अगर एंगल नहीं दिया हुआ आएगा तो आपको लेंथ ऑफ द आर्क दी हुई आएगी, जो कि आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे. लेकिन अभी तो हमें एंगल दिया हुआ है, सो नो नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और थीटा की जगह रखेंगे 60 degrees, 360 एज इट इज, पाई की जगह गिवन है 22/7 यूज करना है, और आर क्या है 6, सो 6 × 6. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 × 6 = 36, यानी वो इससे कट गया 10. ठीक है, और हमारा नहीं कट रहा कुछ भी, हाँ 0 से 0 कट रहा है. तो अब आ जाएगा 6 × 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 132 और 7, 7 × 1 = 7, 62, 7 × 8 = 56, पॉइंट लगा या 0 लगा, 7 × 8 = 56 अगेन 40, और यहाँ पर आ जाएगा 7 × 5 = 35. तो हमारा आंसर आ गया 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ हॉर्स टाइड टू अ पोल, एक पोल है, ये हॉर्स को टाई किया गया किस चीज से? रोप से. रोप की लेंथ क्या है? 28 meters. यानी यहाँ पर कोई रोप बांधी गई और यहाँ पर एक हॉर्स को टाई कर दिया गया. अब ये मान लो एक पोल है, हॉर्स को यहां से टाई किया. अब ये हॉर्स तो ऐसे ऐसे कहीं भी घूम सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, पूरा घूम सकता है, है ना. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर हॉर्स कैन ग्रेज. तो हॉर्स कहाँ कहाँ जा सकता है? भाई पोल ये है, हॉर्स को ऐसे बांधा हुआ है रस्सी से, रोप से, तो हॉर्स तो कहीं भी जा सकता है. तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा. फिक्स्ड पाथ है, रेडियस है, सर्कल बनेगा. तो हमें क्या निकालना है कि कितना वो मूव कर सकता है. पेरीमीटर ऑफ द फील्ड द हॉर्स कैन ग्रेज, दैट मींस हमें किसका पेरीमीटर निकालना है. शेप क्या बन रही है? सर्कल बन रही है, तो दैट मींस हमें सर्कल का पेरीमीटर निकालना है. तो दैट मींस 2πr. ठीक है, तो यानी 2 × 22/7 × 28 meters, मीटर स्क्वायर नहीं पेरीमीटर है. ठीक है, 7 × 4 = 28, 44 × 4 meters, यानी 176 meters will be the answer. Next question is, in the given figure, DE is parallel to BC. यानी ये दोनों lines हमारी parallel हैं. Angle ADE is 70 degrees. यानी ये वाला angle है मेरा 70 degrees का. Angle BAC is 50 degrees. यानी ये वाला angle है 50 degrees का. हमको कौन सा angle निकालना है? BCA निकालना है. यानी हमको ये वाला angle निकालना है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सोचने वाली बात यह है, हमको ये वाला एंगल निकालना है. अगर मुझको ये वाला पता चल गया, ठीक है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि वर्टिकल एंगल तो हमको दिया हुआ है ना. तो अब हमारा मोटिव बचा कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाए. हमारा ये वाला एंगल तो बड़ी इजिली फाइंड आउट हो सकता है. कैसे? देखो, हमको दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल टू BC है. जब दो लाइंस पैरेलल हैं, DE और BC, और ये मेरा ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये 70 degrees है, तो ये भी 70 होगा.
होगा, क्यों होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो देयरफोर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो इसका मतलब एंगल ए बी सी भी क्या हो गया, 70 डिग्री. जब ये वाला 70 आ गया, ये वाला 50 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ट्राइंगल ए बी सी में. इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए मेरा 50 डिग्री है, एंगल बी मेरा 70 मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ, और मुझको निकालना है एंगल सी. तो क्या होगा, एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 50 और 70 कितने होते हैं 120, जो कि यहाँ पर आ जाएगा. सो 180 माइनस 120 विल बी 60 डिग्रीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फिगर, फिगर आपकी यही वाली है, ए डी इज इक्वल टू 2. फिगर मैं दोबारा बनाती हूँ, बी सी और ये आ गया मेरा ई और ये डी. ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं. ए डी गिवन है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 लिख लो. बी डी गिवन है 3, यहाँ पर 3 लिखा. ए ई है 3.5, ये लिख दिया. एंड ए सी इज 7, ये ए सी है बच्चों, ध्यान से देखो, दिस इज ए सी इज इक्वल टू 7. तो इसका मतलब इस ए सी, ये ए सी 7 है, ए ई 3.5 है, तो इसका मतलब मैं ई सी निकाल सकती हूँ सब्ट्रैक्ट करके. ई सी क्या होगा, 7 माइनस 3.5 विच विल बी 3.5 सेंटीमीटर, इसमें से ये माइनस कर दिया. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ये 3.5 है. ओके, अब मुझे ये बताना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है. डी ई पैरेलल टू बी सी कब होता है बच्चों, बी पी टी का कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आ गया, तो डी ई पैरेलल टू बी सी है. कन्वर्स ऑफ बी पी टी यही बोलता है ना. तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, कैसे, ए डी अपॉन डी बी का रेशियो विच इज 2/3, क्योंकि ए डी और बी टी दे रखे हैं, और ए ई अपॉन ई सी का रेशियो विच इज 3.5 अपॉन 3.5 दैट इज 1. ओके, सो इसका रेशियो आया, दिस रेशियो दिस इज 2:3, दिस रेशियो दिस इज 1:1, तो इक्वल आ रहा है क्या रेशियो, नहीं आ रहा. सो ए डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी. हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ए डी अपॉन डी बी इज नॉट पैरेलल टू इज नॉट इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, सो डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग हम छोटे बच्चों को मैं बताती हूँ कि फेंसिंग वर्ड जहाँ भी आ जाए दैट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पेरीमीटर. ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280. अगर छोटे बच्चों को समझाओ तो इस तरीके से समझाया जाता है कि एक ही सेंटेंस में अगर दो बार कॉस्ट दी हुई हो तो उन दोनों को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके जो आता है वो क्या आता है, वो भी सेंटेंस में ही छिपा हुआ होता है. क्या है फेंसिंग, दैट मीन्स पेरीमीटर. तो दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर हम कहें कि अगर मैं 5280 और 24 को डिवाइड करती हूँ तो वो मेरा क्या आएगा, वो मेरा पेरीमीटर आएगा. ये तो हुई रटने वाली बात, क्रैम करने वाली बात. और अगर समझाना हो किसी को तो ये देखो, एक मीटर फेंस करने में कितने पैसे लग रहे हैं, ₹24. ठीक है, एक मीटर फेंस करने में ₹24 लग रहे हैं, और टोटल टोटल अमाउंट कितना लग रहा है, 5280. यानी ₹24 जो कॉस्ट है वो फेंसिंग है 1 मीटर की, तो ₹5280 कितने मीटर की कॉस्ट होगी. मतलब ₹24 इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, राइट. तो देयरफोर ₹5280 इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 5280 अपॉन 24 मीटर. ओके, यूनिटरी मेथड लगाया मैंने. ठीक है, तो क्या आएगा मेरा, ये कटेगा मेरा 4 6 24, 4 1 4, 4 3 12, 4 2 और 6 2 12, 6 2 12, 220 meter. तो ये जो 220 meter आया है मेरा, ये मेरा पेरीमीटर आया है, पेरीमीटर.
ठीक है, और हमें निकालना है रेडियस और सर्कुलर फील्ड है, तो पेरीमीटर सर्कल का कितना होता है 2πr, तो यानी 2πr इज इक्वल टू 220, राइट। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 220, ओके। तो r विल बी इक्वल टू 220, ये जो 7 है ये इधर से उधर चला गया ऊपर, और ये 2 और 22 आ गए मेरे यहाँ पर नीचे, ओके। सो 22 वन जा 22 और ये 22 10 जा 2 5 जा, सो 5 7 जा 35 मीटर्स विल बी माय आंसर फॉर द रेडियस, ओके। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्री ब्रेक्स, ट्रिगो का क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस का। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ट्री टूट गया स्टॉर्म के कारण, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब इसका क्या मतलब होता है भाई, एक ट्री है, इमेजिन करो एक ग्राउंड पे एक ट्री है लाइक दिस, ये ट्री है। जब स्टॉर्म के कारण ट्री अक्सर टूटते हैं, देखते भी होंगे आप रोड्स पर, तो ये थोड़ा ना कि बिल्कुल रूट से ही टूट जाता है, रूट्स थोड़ा ना मतलब बाहर निकल जाएंगे स्टॉर्म के कारण, है ना। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ से ब्रेक हो गया ट्री, यहाँ से ब्रेक हो गया ट्री, ओरिजिनली ये था, ओरिजिनल हाइट उसकी ए बी है ट्री की, लेकिन स्टॉर्म आया, तूफान आया और ट्री टूट गया, तो ये जो ए सी पार्ट है ये इस तरह से यहाँ नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो जो ये ट्री का टॉप था वो ग्राउंड पे लग गया, ग्राउंड पे टच हो गया, तो वो इस तरह से यहाँ से, यहाँ से टूटा है ना, तो यहाँ से ऐसे चला गया नीचे और ये ऐसे, वही वो बोल रहे हैं। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, यानी ये वाला पार्ट बेंड्स, वो बेंड हो गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री यानी पॉइंट ए टचेस द ग्राउंड, यानी वो जो ए है वो यहाँ पर आ गया ए अब, ठीक है। वेयर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 degree, अब ये यहाँ पर आके 30 degree का एंगल बना रहा है लाइक दिस। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 meter। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड वो वाला पॉइंट जहाँ पर वो टच कर रहा है ग्राउंड को, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 meters है लाइक दिस, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट वॉज ब्रोकन, तो मुझे ये वाली हाइट निकालनी है कि किस हाइट पर ट्री ब्रेक हुआ, दिस इज द ओनली क्वेश्चन, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमें सिर्फ यही दे रखा है, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये दे रखा है और ये 30 दे रखा है, तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड यूज होगी, है ना। तो क्या यूज होगा, टैन 30 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी लाइक दिस, ठीक है। टैन 30 क्या है 1/√3, बी सी क्या है एच और ए बी क्या है 8, तो एच आ गया 8√3 meter विल बी द आंसर। दैट मीन्स कि ग्राउंड से 8√3 meter की हाइट पर ट्री गॉट ब्रोकन, ऑल राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल के पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल हैं। पेरीमीटर क्या होता है 2πr, एरिया क्या होता है πr2, हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं, गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, वेरी सिंपल, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, आंसर क्या आ गया r इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, क्या है 3 median इज इक्वल टू मोड प्लस 2 mean, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, सो दिस यू हैव टू लर्न, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बी सी इंटरनली इन रेशो 3:5, क्या है एक्चुअली। इसको समझने से पहले आप कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन समझो, अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ अ लाइन बी सी ऑफ 5 centimeter और 6 centimeter, एनीथिंग लाइक दैट, एंड डिवाइड इट इन द रेशो 3:5, तो आपका मेथड क्या है, आपका मेथड ये है कि आप यहाँ पर कोई भी एक एक्यूट एंगल बनाते हो, हमें 3:5 में डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं हम, 3+5 इज वॉट 8, तो हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, देन वी जॉइन इट लाइक दिस, उसके बाद हम
1, 2, 3 यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके, जैसे ये है वैसे ही हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। प्रॉपर एक मेथड होता है जो कि आपने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में किया होगा, बट इतना डीपली वो नहीं पूछ रहे मुझसे। वो क्या पूछ रहे हैं अब समझो, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बी सी इंटरनली इन द रेशो 3:5, हमने 3:5 में इसको डिवाइड करना है। वी ड्रॉ अ रे बी एक्स सच दैट एंगल सी बी एक्स इज एन एक्यूट एंगल, जो कि हम बनाते हैं हमेशा। वॉट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन रे बी एक्स, बी एक्स पे हम कितने आर्क्स ड्रॉ करेंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, जिस भी रेशो में हमें लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना होता है उसके दोनों को ऐड करते हैं हम, 3+5 यानी 8, और 8 इक्वल पार्ट्स में हम bx को डिवाइड करते हैं। सो हेयर द आंसर विल बी 8। ऑल राइट, क्वेश्चन विच इज 13th वन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस, दो इक्वेशंस दी हुई हैं हमको, ये इनका यूनिक सॉल्यूशन है। वो कह रहे हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन है, ये दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि किस वैल्यू ऑफ पी पर इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन है किस वैल्यू ऑफ पी पर। तो दैट मीन्स अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को लेकर चलेंगे, और वो क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, इसको हम लेके चलेंगे। a1 क्या है मेरा 4, राइट। a2 क्या है उधर से 2, राइट। इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है p और b2 क्या है 2, तो यानी p अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा मेरा, इधर से ये कट गया, तो 2 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन 2, यानी 4 इज नॉट इक्वल टू p, यानी p इज नॉट इक्वल टू 4। दैट मीन्स हम ये बोलेंगे कि एक्सेप्ट 4 p should not be equal to 4 for these equations to be having unique solution, right? So except 4, क्या बोलेंगे हम, p should have or p can have all the values except 4. Okay, next question, what type of straight lines will be represented by the system of equations? ये दोनों हमारी equations हैं, कौन सी, 2x+3y is equal to 5 and 4x+6y is equal to 7. Okay? वो पूछ रहे हैं कि ये किस टाइप की लाइंस हैं, किस टाइप की लाइंस हैं, मतलब तीन टाइप की लाइंस पढ़ी हैं हमने, कि या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो लाइक दिस, तब क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसका क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, है ना, या फिर हो वो ऐसे पैरेलल लाइंस तो क्या होता है नो सॉल्यूशन, राइट। ये कौन सी है इंटरसेक्टिंग, तो क्या आता है यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस हो तो आता है नो सॉल्यूशन, और अगर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर लाइन, एक के ऊपर एक लाइन है तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, तो तब आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दीज थ्री कंडीशंस वी हैव रेड इन आवर चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, तो हम चेक करेंगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो लाइंस किस टाइप की है, कि वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो देखते हैं a1 अपॉन a2 क्या है हमारा 2/4 विच इज 1/2, दिस अपॉन दिस। b1 अपॉन b2 क्या है मेरा 3/6 विच इज 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, दैट मीन्स यूनिक तो है ही नहीं, क्योंकि यूनिक के लिए तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो नहीं है, है ना। अब आगे चलते हैं c1 अपॉन c2 के लिए, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 5/7, तो दैट मीन्स मेरी कंडीशन आ गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 विच इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ये वाला, यानी पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। सो देयरफॉर दीज आर पैरेलल लाइंस। ये पूछा था कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर देयर, आर दीज लाइंस, तो हम बोलेंगे दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ प्रोबेबिलिटी, अ बैग कंटेन्स 3 red balls एंड 5 black balls, 3 red balls हैं 5 black balls हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, दैट मीन्स अ बैग में कितनी बॉल्स हैं टोटल, टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 3+5 विच इज 8,
ठीक है, उन 8 बॉल्स में से एक बॉल एट रैंडम पिक की गई, ठीक है, इट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल, दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो इसका मतलब अब रेड हो वो बॉल, उन 8 बॉल्स में से निकाल, 8 बॉल्स में से निकाला जा रहा है एक बॉल, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पिक्ड अप बॉल है वो रेड बॉल है। भाई या 3 रेड बॉल्स हैं तो 3 ही हो सकती है ना केसेस ऊपर, तो हमारा क्या होता है, नीचे आता है हमेशा टोटल डिनोमिनेटर में 8, और ऊपर क्या आता है कितने फेवरेबल केसेस हैं, है ना, फेवरेबल आउटकम्स हम कैसे लिखते हैं। जैसे अगर मुझे पी किसका निकालना है, दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, ये निकालना है ना मुझको, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालनी है, तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, टोटल आउटकम्स तो नीचे आता है और ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लाइक दिस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, रेड बॉल क्या ना, तो रेड बॉल कितनी है 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 8, टोटल आउटकम्स, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस, लूडो वाला जो डाइस होता है जिसपे 6 होते हैं, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग साइड पे नंबर्स होते हैं, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो अगर मैं डाई को थ्रो करती हूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आउटकम्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। सो दिस इज आवर सैम्पल स्पेस, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि पॉसिबल है उसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो ये है सैम्पल स्पेस मेरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर जो है इनमें से कौन कौन से हैं, या तो 2 है या 3 है या फिर मेरा 5 है ना। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम इज, नीचे फिर से वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर क्या है, जो कि प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स हाउ मेनी आर प्राइम नंबर्स यहाँ पर 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी टोटल, लाइक दिस। और इसको आप करेंगे रिड्यूस, यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो सकता था लेकिन यहाँ पर हो रहा है, सो यू बेटर रिड्यूस इट ताकि आपका हाफ मार्क भी कटने की गुंजाइश ना हो, ठीक है। इस 15th क्वेश्चन, अब हमारे इस सेक्शन के सेक्शन ए के यानी 2 ही क्वेश्चंस रह गए हैं, 15th एंड 16th। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये रहा टावर और ये रहा ग्राउंड, ये है टावर और ये है ग्राउंड, टावर खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये मेरा फुट है, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 15 मीटर है, क्योंकि उन्होंने बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज, ये पॉइंट 15 मीटर दूर है कहां से, फुट ऑफ द टावर से, यहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं टॉप ऑफ द टावर का, ठीक है, और वो कितना आ रहा है 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें ये निकालनी है, दैट इज इट। तो हमारा ये वाला साइड यूज हो रहा है और ये वाला साइड यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स tan 60 इज इक्वल टू, इफ आई नेम देम लाइक ए बी सी, तो tan 60 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, tan 60 इज रूट 3, ए बी मेरे को निकालना है, दिस इज 15, सो एच विल बी इक्वल टू 15 रूट 3 मीटर्स इज द आंसर। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार, ई बार मतलब नॉट ई। देखो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना वो 0 पी ई एक्चुअली ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, तो वो लाई करती है कहाँ से कहाँ तक, 0 और 1 के बीच में ऑलवेज लाई करती है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1 एंड इट कैन बी बिटवीन 0 एंड 1, 1 से बड़ी नहीं होगी 0 से छोटी नहीं होगी, है ना, एक तो ये चीज़ होती है। एक ये चीज़ होती है कि हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो 1 होती है, मतलब कि ये है कि इवेंट हो रहा है, ठीक है, और ये कि वो नहीं हो रहा, लाइक अगर जैसे कि क्रिकेट मैच है,
ठीक है, उसमें मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट द क्रिकेटर हिट्स द बाउंड्री, ठीक है, एंड ही डज नॉट हिट द बाउंड्री, तो इसका मतलब ये दो केसेस हैं, है ना। तो इन दोनों, मुझे नहीं पता हिटिंग द बाउंड्री वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, मुझे नहीं पता नॉट हिटिंग द बाउंड्री वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन इतना पता है कि अगर मैं उन दोनों को प्लस करती हूँ ना तो वो वन आएगा हमेशा, ठीक है। तो एक है कि यस इवेंट हो रहा है, एक है कि फेवर में नहीं है, इवेंट नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मुझे नहीं पता इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन इतना पता है कि अगर मैं उन दोनों को प्लस करूंगी तो हमेशा मेरा वन आएगा। सो द आंसर इज वन ओवर हेयर। ओके, सो गाइज हेयर वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन ए ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ओके, थैंक यू सो मच।